है दूसरे दिन की क्लिप। अभी सारा काम खत्म हो चुका है, इनको भी नहला दिया है, कपड़ा वपड़ा चेंज कर दिया है इनका भी। हाँ, और आज बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही है, ऐसा हो चुका है। पूरा रात भर फीवर था बहुत ज़्यादा तेज, और अभी थोड़ा सा आराम है। और बैठ जाओ बेटा, अभी जा रहे हैं, अभी कुछ आज बना नहीं है, सब लोग ऐसे ही चले गए बिना कुछ खाए पिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, मट्ठा वगैरह पीऊँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए फिर चलते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं। हालत एकदम ख़राब है, बस सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, इस वजह से कैमरा उठा लिया है मैंने। कल रात से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, फेस से भी लग रहा होगा। आज कुछ बना नहीं है किचन में, बस थोड़ी बहुत तबीयत ठीक थी तो मैंने सफाई वफाई करी थी, कुछ भी नहीं बनाया है। अभी पीने जा रहे हैं मट्ठा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ खाए नहीं है, भूख लग रही है मुझे। उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर थोड़े से फल वगैरह काटूँगी, अनाज छीलूँगी, क्योंकि रखा है फ्रिज के बाहर निकाल के बहुत देर से, पति देव रख कर गए हैं तो मैं इसको खा लेती हूँ, नहीं तो फिर आएंगे तो डांट पड़ेगी। और हालत एकदम ख़राब है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन अभी होता है ना, एक जो क्या आप लोग उसे लगाव हो जाता है, बस वही लगाव खींच लाता है यहाँ तक। तो अभी मैं फटाफट अनार छीलूँगी, क्योंकि अनार मेरे क्यूटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो चलिए फिर अनार छील के उसके बाद मिलते हैं, बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उसी दिन का ब्लॉग है, मैंने उसी दिन एडिटिंग किया था, लेकिन जो है पब्लिश नहीं कर पाई थी, और अभी देखो कब पब्लिश होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, बस मन कर रहा है लेटे रहें कुछ करें ना। तो पद मुझे सच में नहीं पता था प्रेगनेंसी में इस बार मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। पहली बार इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी जितनी इस बार मुझे हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत हो रही, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस चीज़ की कमी हो रही है। अभी डॉक्टर को जाना है दिखाने, तो दिखा के आएंगे तभी पता चलेगा कौन सी कमी है, क्या कमी है। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई और ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दवा एक ये है, इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करेंगे। उनके जा रहे हैं सोने, अभी जग रहे हैं, उनको नीचे उतार देंगे और हम सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बता नहीं सकते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो चलिए फिर बाय बाय। हो रहा है रात का टाइम, तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मैं बस लेट कर एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ना, तो चलने की ना उठने की, बस लेटे रहने का मन कर रहा था। और ब्लॉग्स भी जो एडिटिंग करना था, क्योंकि आप लोग तक पहुंचाना था, नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और फिर आप लोग इस टाइम थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और बस यही मन करता है कि कंटिन्यू ब्लॉग्स अपलोड करें, नहीं तो फिर से आप लोग साथ छोड़ देंगे, जैसे कि मेरे साथ पिछले कई बार हो चुका है ऐसा।
और मैं इस बार नहीं जो है हार मानना चाहती। हार तो मैंने कभी नहीं मानी है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से ब्लॉग्स जो है छोड़ना पड़ा था बीच में, तो जिसकी वजह से आप लोग ने भी साथ छोड़ दिया था। तो अभी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ और बस, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें करते हैं उसके बाद ब्लॉग्स एंड करेंगे। और सच में मुझे नहीं पता था इस बार प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, इतना ज़्यादा हालत ख़राब है, बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं है कि मैं चल के अपने लिए एक गिलास पानी तक ले आऊँ, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो चलिए कोई बात नहीं, ओंट देखिए एकदम सूख गए हैं, इतना ज़्यादा पानी पीते हैं फिर भी सूख गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और मुझे बालों में मेहंदी लगानी है क्योंकि बाल देखिए कितने ज़्यादा वाइट हो गए हैं। इसका कोई उपचार हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, मेरे पास तो नहीं है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बहुत सारा दीजिए ताकि थोड़ी सी हिम्मत आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।